السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلات والسلام سے اس ذاتہ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا.
अल्लाह की ये बहुत बड़ी करम नवाजी है कि उसने इस ज़ाब्ता हयात को हम तक पहुँचाने के लिए ऐसे मजबूत ज़राए और असबाब इस्तेमाल फरमाए कि आज हम बबांगे दोहल कह सकते हैं कि ये ज़ाब्ता हयात जो आज कुरान की सूरत में हमारे हाथों में मौजूद है, ये वही ज़ाब्ता हयात है जो आज से कमोबेश 1450 साल पहले नबी कायनात और रसूल सकलैन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे इंसानों की रुश्द व हदायत के लिए नाज़िल हुआ। अल्लाह की इस करम नवाजी पे हम जिस कदर भी उसका शुक्रिया अदा करें, कमा हक्का हो उसका शुक्रिया अदा नहीं होता, इसलिए कि ये ज़ाब्ता हयात वो दस्तूरुल मुत्तकी है कि अगर इंसान इससे ताल्लुक पैदा कर ले तो ये कुरान उसकी दुनियावी ज़िंदगी में एक अजीम इनकलाब पैदा कर देता है, और अगर इसको अपने जिस्म और रूह पे जारी उतारी कर लिया जाए तो यही वो वहद ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को दुनिया के साथ साथ उकबा की कामयाबी की जमानत भी देता है। मगर सदहैफ ऐसे ज़ाब्ता हयात की मौजूदगी के बावजूद आज हम तख्ते अर्ज पे ऐसी बदनसीबी की जिंदगी बसर कर रहे हैं कि शायद कोई दूसरी कौम इतनी बदनसीब ना हो। इसका सबब कौम तो हम वो हैं जो अरब के सहरा से उठी बदुओं की सूरत में, अनपढ़ और जाहिल लोगों की सूरत में, लेकिन जब वो इस कुरान से ताल्लुक पैदा करते हैं नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ते हैं तो फिर वो सहरा नशीं जमीन से उठे कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अतात की बिना पे आसमानों की रिफतों तक पहुंचे। जो लोग उनको तान दिया करते थे, उन्हें बद्दू और जहल कहा करते थे, वही उनके सामने जानूए तलम्मज़ तय करने पे मजबूर हो गए। इसका सबब वहद अल्लाह का कुरान और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात है, और हमारी बदनसीबी का सबब भी है कि वो मुअज्जज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। उन्होंने कुरान को थामा तो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचे। कुरान हमारे पास है, हमने इस कुरान से एराज किया तो आज तख्ते अर्ज पे जिल्लत की जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर है। कुरान कहता है क्या मेरी आवाज पे लब्बैक कहो, मेरे महबूब की अताअत करो, काल अल्लाह व काल रसूल का दम भरो, अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम्हें भी उसी इज्जत से नवाजूंगा जिस इज्जत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नवाजा, और अगर नहीं तो फिर नहीं। यही हालात होंगे। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग वाबस्ता हुए वो कोई जागीरदार
सरमायादार, दौलतमंद और बड़े बड़े सरदार नहीं थे, बल्कि इन बदनसीबों ने तो अल्लाह के नबी का इनकार किया सिवाय चंद एक अफराद के। गरीब लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुए, मोहताज लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हुए, और वो जो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे वो आकाए कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थामते हैं। जब ये गुलाम रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह से वाबस्ता हुआ तो फिर नतीजा ये निकला कि फारूक आजम जैसा इंसान काले मोटे मोटे होंठों वाले, मोटी नाक, छोटी छोटी आंखें, हफी बिलाल को देखते हैं तो खड़े हो जाते हैं ना, सैयदना बिलाल। ये सब कुछ उन लोगों को अल्लाह के कुरान ने दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आज हम पढ़े लिखे होने के बावजूद एटम बम के मालिक, असला की टेक्नोलॉजी में अमेरिका से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद जलील और ख्वार है, सर उठा के चल नहीं सकते, भीख मांगते हैं लोगों से, और यही भीख इस मुल्क को भिखारी बना गई। जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक कोई इंसान ऐसा बरसर इक्तदार नहीं आया या हमने नहीं लाए जो कौम के लिए सोचे, जो मुल्क के लिए सोचे, जो मुसलमान के लिए सोचे। जब ये सारी चीजें हमने अपने दिलो दिमाग से माफ कर दी, अल्लाह की रहमत से दूर हो गए, गुलाम जो दूसरों के इशारा चश्मे अबरू पे कदम उठाते थे, जब सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पे लब्बैक कहते हुए नबी रहमत का दामन थाम लेते हैं, तो फिर सारी कायनात की बड़ी बड़ी ताकतें, जबरो जुल्म करने वाले लोग उनके पाए इस्तकलाल में टकमगाहट नहीं पैदा कर सकते। तारीख शाह है, कायनात की तमाम कौमें इस्लाम की मुखालिफ होने के बावजूद मुसलमान से नफरत करने के बावजूद ये कहने पे मजबूर है कि जो जिंदगी की रूह मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों में फूंकी है, वो आदम से लेकर आज तक कोई कायद ना फूंक सका। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये ईमान लाने वाला एक कुंबा चंद अफराद पे मुश्तमिल, इस्लाम कबूल किया, दामन मुस्तफा अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हुए और फिर इसी के बन के रह गए, फिर किसी की नहीं सुनी, फिर किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, फलां 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 नहीं, बस अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह। और आज जब उनका नाम हमारे सामने आता है तो मजबूर है रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने के। ये किरदार था जिसने उन लोगों को इस मुकाम पे पहुंचाया। ये भी मजलूम, कमजोर, गुलाम दूसरे के दस्तरस में, लेकिन नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, तौहीद और रसालत से वाबस्ता हो गए, और फिर बतलाया कायनात के इंसानों को
कि जो कुरान और मुहम्मद रसूल अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है, कायनात का कोई जुल्म उनको उससे जुदा नहीं कर सकता। ये भी गुलाम है। मां भी जुल्म की चक्की में पिस रही है, बाप पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नौजवान बेटे पे तशद्दुद की इंतहा की जा रही है। लेकिन सब कुछ के बावजूद जुबान से एक ही लफ्ज निकलता है और एक ही सोच और फिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कायनात की ताऊती ताकतों ने जुल्म की इंतहा कर दी, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े। ये तड़पते हैं, बिलकते हैं, जख्मों से चूर, सीने में पत्थर रखा हुआ, सहरा में आग बरसाती सूरज की धूप में इनको लटाया गया। जख्म जख्म है, लेकिन इसके बावजूद जब भी मुंह से अल्फाज निकलते हैं वो अल्लाह की तौहीद और मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसालत तकदीक है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी परेशानी है कि मां भी जुल्म की चक्की में पिस रही है, बाप भी जुल्म की चक्की में पिस रहा है, बेटा भी पिस रहा है, और इस जालम माशरे में कोई इंसान उनकी तरफ बढ़ने वाले हाथ को नहीं रोकता कि इतना जुल्म ना करो कि इंसानियत तुम्हारे जुल्म पे शर्मिंदा हो। कोई कहने वाला नहीं। पिटते हैं कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं। अल्लाह के नबी का दिल गमगीन है, परेशान है, तो आवाज देते हैं सबरन या आला यासिरिन इन्ना मौइदकुमुल जन्ना। ए यासर के घर वालों, इस जुल्म और सितम से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन एक वादा देता हूं कि जब इस जहां को छोड़ के जाओगे ऐसी जिंदगी जन्नत में पाओगे कि आज उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जन्नत का वादा है अल्लाह का तुमसे। क्यों? कि तुमने तमाम कायनात को छोड़ा, अपनी सोच को, अपनी फिक्र को, अपने ख्याल को, अपने आराम को, अपने सुकून को तज दिया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने के बाद अपने जिस्म को जुल्म और सितम की चक्की के सबूत कर दिए और मुंह पे हर्फे गिला नहीं, हर्फे शिकायत नहीं। रहमत कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तड़पते देखते हैं, तड़पना बिलकना देखा नहीं जा रहा, लेकिन मजबूरी है। उनकी बात आज किस सबब की जाती है कि देखो हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, खाना पीना पहनना सोना उठना बेदारी कारोबार, हमारे रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं, और उनको सांस लेने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से यूं वाबस्ता होते थे कि कोई जुल्म जबर उनके कदमों में लड़खड़ाहट पैदा नहीं कर सका। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसी तरफ जाते, देखा कि अम्मार रो रहा है, अपने हाथों से अपनी आंखों को मल रहा है, जो सूज गई हैं, सुर्ख हो गई हैं। रहमत कौनैन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, उसकी निगाह पड़ी
इरशाद फरमाया, अम्मार क्या खबर है? सिस्कियां लेने वाला अम्मार बुलंद आवाज से रोता है, तड़पता है, अल्लाह के नबी इंतहाई बुरी खबर है, आंखों से आंसू जारी हैं, सांस नहीं सही ले सकता। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिलकते हुए देखा तो इरशाद फरमाया, अम्मार ये तुम्हें पानी में गोते दे दे के बेहोश करते थे, तेरा जीना दोबर कर दिया था, तेरा सांस नहीं आता था, और तूने फिर मेरे मुतल्लिक कुछ कलमा कहा था। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह आज खुद नहीं आए, बेचने वाले ने भेजे कि जाओ देखो इस कायनात में तेरे दामन से वाबस्ता होने वाले, मेरी तौहीद के दामन को थामने वाले जुल्म और जबर को बर्दाश्त करते हैं लेकिन उनकी जुबान पे शी नहीं आता। देखो मेरे महबूब, अम्मार ये हुआ है, आवाज और बुलंद हुई, हिचकियां और बढ़ी, सर झुका, अल्लाह के नबी यही हुआ है। शकलैन के ताजदार ने इरशाद फरमाया कि अम्मार आज तूने ये किया ना, अगर कल तुम्हारे साथ ये ज्यादती हो तो मेरे खिलाफ बात तुम कल भी कर सकते हो, तेरे ईमान में कोई फर्क नहीं आएगा, ईमान तो मजबूत है ना। अल्लाह के नबी जुल्म और जबर बर्दाश्त करता हूं लेकिन दिलो दिमाग इस बात पे शाहत है कि जो ताल्लुक मोहम्मद से कायम किया है वो ताल्लुक कायनात का कोई जुल्म तोड़ नहीं सकता। इरशाद फरमाया, जो तुझसे कहलवाना चाहे कहो, तेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गुलाम अल्लाह के नबी से ऐसा ताल्लुक रखता है, ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत वाबस्ता है कि कभी भी अपने जुबान पे हरफे शिकायत नहीं लाया। अल्लाह के नबी कहते हैं, सुनो अल्लाह के नबी खैर है, ठीक हूं, आज क्यों रो रहा था? आज हिम्मत जवाब दे गई, होश खो गए तो अपनी जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कुछ ऐसे अल्फाज निकले जो इसकी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक रहे। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह दी, तसल्ली दी कि मार कोई बात नहीं, अगर तेरे दिल में मोहम्मद का एहतराम है, अगर तेरे दिल में तौहीद जमी हुई है तो जो भी तुझसे कहलवाते हैं जुल्म बर्दाश्त करो लेकिन यहां तक नहीं कि तेरी हिम्मत जवाब दे दे। अल्लाह के मुतल्लिक भी बात कर सकते हो और मोहम्मद के मुतल्लिक भी बात कर सकते हो। अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल कर दी कि मुसलमानों, अगर किसी मुसलमान पे यूं जुल्म सितम हो, काफर तुम्हें मजबूर कर दे, दिल में ईमान को बेदार रख के अगर तुम अल्लाह के खिलाफ भी कोई बात करते हो तो अल्लाह तुम्हें पकड़ेगा नहीं। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये महबूब साथी जिन्होंने अपनी जिंदगियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान करने की नीयत की हुई थी और फिर वक्त पे करके भी दिखाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इनसे मोहब्बत की इंतहा कर दी। जितने ये मोहब्बत करते हैं ना, जितना ये प्यार करते हैं, इससे बढ़ के मोहम्मद रसूलुल्लाह इनसे क्या करो। अल्लाह कहता है तुम मेरे बन जाओ, मेरी तरफ कदम बढ़ाओ, मुझसे मोहब्बत का इजहार करो, मैं तुम्हारी तरफ भागता हुआ आऊंगा और इस तरह तुम्हें इज्जत से नवाजूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और फिर उन लोगों को इज्जत से नवाजा।
लेकिन हम कभी हमने सोचा है, कभी गौर किया है, अल्लाह के बंदो ये जिंदगी अल्लाह की अमानत है, इस दुनिया में जीना और किस तरह ये किसी की कोशिश ताकत जिद्दोजहद कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकती। अच्छी जिंदगी तब मिलती है जब इंसान अपने अल्लाह को राजी कर लेता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जिंदगी है और यही हमारी रहनुमाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, अलील मुर्तजा को कहा देखो कौन है। आके अर्ज की कि अली, अली कहते हैं अल्लाह के नबी अम्मार हैं। अल्लाह के नबी जिस काम में भी मसरूफ थे और अल्लाह कहता है मैं सिर्फ देखना चाहता हूं तुम मेरे साथ कैसा ताल्लुक रखते हो। अगर तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह की रजा के लिए है तो इरशाद फरमाया रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम जिंदा रखूंगा और लोग तुम्हारे कारनामों पे फख्र किया करेंगे। हमारे अल्लाह के नबी फरमाया बुलाओ से मरहबा बितय्यब अल-मुतय्यब, ऐसे पाक बाज इंसान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशामदीद कहता है। लाओ उसको, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ छोड़ा और अम्मार की तरफ मुतवज्जा हुए कि अम्मार तेरा आना कैसे हुआ है। यह वो गुलाम था जो मंडियों में बिकता हुआ आया, जिसको पूछने वाला कोई नहीं था, मार पड़ते बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज वो वक्त आया, अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया, अम्मार को इस इज्जत से नवाजा कि कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है अम्मार मिलने के लिए है, सब कुछ छोड़ा, फरमाया अम्मार को बुलाओ, मैं मोहम्मद उसको मरहबा कहता हूं। यह कोई किरदार उन लोगों को ऐसे नहीं मिला था, नहीं, इस कुरान से ताल्लुक की बिना पे और सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह की तलगे जमीन से उठाया, आसमान तक पहुंचाया और क़यामत तक के लिए इंसानों को पैगाम दिया, अगर तुम्हारी मजलिस में तुम्हारी बातें हों, तुम फास करो, तुम तबलीग करो, और वहां मेरे सहाबा की जिंदगी को डिस्कस न किया जाए तो इरशाद फरमाया तुम्हारी मजलिस कोई हैसियत नहीं रखती। अगर किसी मजलिस में अपनी बातें होती हैं लेकिन कौनैन के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की बात नहीं होती तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये मजलिस किसी काबिल नहीं है। ओ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह कोई मामूली बात नहीं थी। इस गुलाम जादे को अल्लाह ने वो मुकाम और मर्तबा दिया कि आज हम सोच के मैं सोच तक रह सकते हैं, ये चाहे कि हमें वो मर्तबा और मुकाम मिले तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका सबब क्या है? तो हमने अल्लाह की तौहीद का दम भरा, रसूल के दामन को थामा, लेकिन सब कुछ के बावजूद अल्लाह से भी धोखा किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी धोखा किया। नतीजा यह निकला कि आज जमीन पे जितना मुसलमान जलीलो ख्वार है कोई कौम जलीलो ख्वार नहीं है। और जब उन लोगों ने नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दामन से वाबस्तगी इख्तियार की तो गुलामों का क्या मुकाम बना? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि खालिद बिन वलीद मुसलमान होके आ रहा है, इरशाद फरमाया मदीना के बासियों मक्का
ने अपना दिल निकाल के तुम्हें भेज दिया है। खालिद इब्ने वलीद वो शख्स है कि जिसने जीती हुई जंग मुसलमानों के जबड़ों से खींच ली थी, ओहद के मैदान में जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है वो खालिद बिन वलीद के जहीन जेन की पैदावार थी। दिल दे दिया मकालों ने, आया रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर हाजिर हुआ, रहमत कायनात ने अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया खालिद अंता सैफुल्लाह मिन सयूफिल्लाह, तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तदाई जिंदगी में इब्तदाई कदमों पे एक तोहफा दिया, सकलैन के ताजदार खुश हुए, वो उमर की सूरत में था, एक हाथ मिल गया, अल्लाह के नबी बड़े खुश हैं। अंता सैफुल्लाह मिन सयूफिल्लाह, तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। काबले फख्र था, सबब क्या था, बड़ा ज़हीन, दाना और रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नतीजा पे पहुंचे कि अब इस्लाम की तहरीक, अब इस्लाम का लश्कर आगे बढ़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकेगा। क्यों? कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन में खालिद बिन वलीद आ गया है। ये खालिद बिन वलीद है। एक दिन बाजार में बैठे हुए अम्मार के साथ गुफ्तगू हुई, अम्मार को बुरा भला कहा, सबब क्या था, वही जो आज हमारे यानी बड़े लोग चौधरी टाइप के लोग बट साहब और राणा साहब जट साहब जिस तरह ये किसी को जीने नहीं देते, आज उस तरह उन चौधरियों का भी ये काम था। सीधा खालिद बिन वलीद मोमन थे लेकिन यह भी इलम था कि मैं वो शख्स हूं जिसको आसमान से पैगाम आया कि तू अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। किसी को यह मर्तबा और मुकाम नहीं मिला, ये मिला है तो खालिद इब्ने वलीद को। उनको एहसास है इस बात का, यही एहसास उनको अम्मार के साथ ज़ियाद करने पे मजबूर करता है। बुरा भला कहा, अम्मार उठे, रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हुए, अल्लाह के नबी आज मेरे साथ खालिद ने बहुत ज्यादती की है। कौन खालिद है? जो अल्लाह ने भेजा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम तोहफा समझा, सैफ मिन सयूफिल्लाह कहा। उसकी शिकायत लेके एक गुलाम ज्यादा हाजिर होता है, गुलाम बिन गुलाम, जो खुद भी गुलाम था, बाप भी गुलाम था, मां भी गुलाम थी, लेकिन रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के दामन से वाबस्तगी की बिना पे ये गुलाम अब गुलाम नहीं, आकाओं का आका बना हुआ है। ये अल्लाह शर्फ फजल देता है, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं है। इसका एहसास नहीं तभी हम आज जिल्लत और नकबत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। खालिद ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास, अभी अम्मार बैठे हुए हैं, खालिद भी आ जाते हैं, वो शिकायत लगा रहे थे कि खालिद ने मेरे साथ ज्यादती की है, ये भी शिकायत लगाने के लिए आए थे कि अल्लाह के नबी इस गुलाम ज्यादा कोई इलम नहीं, ये किसके साथ दू बदू बातें करता है, इसने मेरी तौहीद का इर्तिकाब किया है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगाह उठा के खालिद की तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। खालिद ने अम्मार को फिर
झिड़कियां दी, सख्त बात की। अम्मार ने रोना शुरू कर दिया और कहा, अल्लाह के नबी, ये तो इसने मेरे साथ बाहर ज्यादती की थी, आपके सामने भी। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाह उठाई, चेहरा उठाया, खालिद की तरफ देखा, वो जो इस्लाम के झंडे को लहरा रहा था और जिसकी तलवार का सामना कोई काफर नहीं करता था, वो खालिद जिसका नाम सुन के काफर के लश्करियों पे रशा तारी हो जाता था, जिस मैदान में जाता, जहां उतरता, फतह उसके कदम चूमती। मुसलमान भी ये समझा करते थे कि जिस जंग में खालिद हो वहां शिकस्त नहीं हो सकती, इस मुकाम पे ये शख्सियत है। ए गुलाम जादे ने बातें की और यूं ही जैसे आम एक आदमी चौधरी चौधरी से बात करता है, बड़ा बड़े से बात करता है, ये बड़े से बात करता है, गुलाम का बेटा, अल्लाह के नबी रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खालिद जिस आदमी ने, मेरे जिस सहाबी ने, बड़ा रुतबा है, बहुत बुलंद शख्सियत है, लेकिन तुमने अम्मार को बुरा कहा है, सुन लो, जो अम्मार को बुरा कहता है अल्लाह उसको बुरा जानता है। मन अब रजा मारन फकत अब गजाउल्लाह, जो अम्मार को बुरा कहता है उस पर गजबनाक होता है, वो इंसान इंसान पे गजबनाक होता है, लेकिन सुन लो, जो अम्मार पे गजबनाक होता है अल्लाह अर्श पे उस पर गजबनाक होता है। तुम मोहम्मद के इस गुलाम को और जिसने इस्लाम को कबूल किया और जुल्म और सितम के पहाड़ बर्दाश्त किए, कुफर ने सारी ताकत को आजमाया कि इसको डगमगाहट पैदा की जाए इसके कदमों के, लेकिन उसके कदमों में डगमगाहट नहीं पैदा कर सके। तुम इन पे जुल्म करते थे, इन पे सितम करते थे और तुम इन लोगों को जुल्म की चक्की में पीसते थे, ये जुल्म सितम बर्दाश्त करते हुए भी अल्लाह का नाम लेते थे। आज जब इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है, जब इस्लाम की तहरीक आगे बढ़ रही है, पहले इन लोगों ने अल्लाह के लिए कुर्बानियां दी, अब अल्लाह कहता है कि इनको इज्जत देने के लिए मैं हर वक्त मैदान में रहता हूं। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, खालिद भी सहाबी हैं, ये आम सहाबी हैं, गुलाम दादे हैं, ये बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड आदमी है, चौधरी आदमी है और बहुत बड़ा अजीम सिपा सरार। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इसको तकलीफ देता है अल्लाह उसको तकलीफ देगा, जो इसको अजियत देता है अल्लाह उसको अजियत देगा, जो इस पे गजबनाक होता है अल्लाह उस पे गजबनाक होगा। क्या कर लिया तूने? खालिद कहते हैं कि अल्लाह की कसम नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मैंने ये अल्फाज सुने तो मैं परेशान हुआ और मैंने चाहा कि अम्मार को ढूंढूं और अम्मार से माफी मांगूं। वो जर्नैल जिसके सामने ये तसव्वुर था कि कोई गुलाम ज्यादा इस्लाम के बहुत बड़े सिपा सलार के सामने बात करता है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, मेरे साथ जो गुलाम वाबस्ता हुए हैं वो तुम्हें सलाम नहीं करेंगे, बल्कि बड़े बड़े ओहदेदार मेरे इन गुलामों को सलाम किया करेंगे। कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से का इजहार किया तो खालिद बिन वलीद अम्मार को ढूंढते हैं
मदीना की गलियों बाजारों में इस्लाम का बड़ा सिपा सलार, इस्लाम का फातह आजम गलियों और बाजारों में चला फिरता है, तेरे चलने फिरने का सबब क्या है? क्यों खैर है? कहा, मैं अम्मार को ढूंढ रहा हूं। अम्मार को ढूंढता है मदीना की गलियों और बाजारों में। एक जगह पे अम्मार मिल गए, अपने दोनों बाजुओं में ले लिया। अम्मार, मैंने तेरे साथ ज्यादती की है, तू अल्लाह के लिए मुझे माफ कर सकता है? मिन्नतें करते हैं, समाजने करते हैं। अम्मार ने कहा कि तुम मुसलमानों की शान हो, अजमत हो, वकार हो, कोई बात नहीं, अगर तूने कर लिया है तो मैं तुझे अल्लाह के लिए माफ करता हूं। खालिद इब्ने वलीद को सुकून और चैन तब मिला जब एक गुलाम जादे ने लश्कर के सिपा सलार को माफी का ऐलान दिया। ये कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी का नतीजा है। ये जमीन से उठे, आसमान तक पहुंचे, तो इसका सबब क्या था? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और अतात का अंदाज यह था कि जब रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सामने आ जाती तो फिर दुनिया की किसी शख्सियत की कोई हैसियत ना रहती। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरे सहाबा की तरफ देखो, अल्लाह कहते हैं आमनु कमा मन अन्नास, तो इसका मकसद क्या है? अल्लाह के नबी के सहाबा तो 100 साल तक रहने थे, वो रहे, उसके बाद चले गए, लेकिन उनके किरदार ने यह बतलाया कि जो इंसान कलमा तौहीद और रसालत पढ़ लेता है फिर वो इसी से वाबस्ता होता है, दूसरी कोई चीज नहीं, ना मां ना बाप ना मामू ना दादा ना दादी, कोई नहीं, तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात और अल्लाह की शख्सियत। जब ये हो जाए तो फिर अल्लाह की रहमतों का नुजूल होता है। हम भी तो मुसलमान हैं ना, कलमा तो हमने भी पढ़ा हुआ है, फख्र तो हमें भी है, लेकिन हमारा सिर्फ फख्र है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से एक लफ्ज कहा, एक लफ्ज, ये उस एक लफ्ज के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान के लिए, कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार है। सिर्फ नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा कोई नहीं। अल्लाह के नबी ने इनको बाद में आजमाया नहीं, बल्कि इरशाद फरमाया कि ये वो लोग हैं जिन लोगों को मेरे अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे दिया है जन्नत का। जन्नत का सर्टिफिकेट इसके पास है लेकिन रात को ये सोता नहीं है। हमारे पास क्या है? दिन रात हमारे कैसे गुजर रहे हैं? नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसे दिन रात हमारे नहीं है। वो दिन में घोड़े की पीठ पे सवार रहते थे और रात को मसल्ला पे खड़ा होके जबीन अल्लाह की चौखट पे रखते थे। ये बात दुनिया सारी जानती है। जब ईरान को पवाल कर दिया ना कदमों के नीचे अरब के बदुओं ने, जिनको ईरान के शहंशाह ने कहा था कि तुम आए हो हम पे हमलावर होने के लिए, एक लम्हा में तुम्हें मिटा देंगे, लेकिन चलो तुम गरीब लोग हो, मिस्कीन और मोहताज लोग हो, तुम पे कुछ एहसान कर सकता हूं कि तुम और तुम्हारी फौज तमाम लोगों को
मैं अपनी शख्सियत के मुताबिक इनाम और इकराम दूंगा और तुम्हें मोहलत दे रहा हूं कि मेरी जमीन से वापस चले जाओ। सकलैन के ताजदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा थे, शागिर्द थे, जिन्हें बतलाया था और कायनात की किसी ताकत का खौफ तुम्हारे दिल में ना हो। अगर तुम्हारे दिल में किसी का खौफ हो तो अल्लाह का खौफ होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। और फिर इन्होंने वो कारनामा सर अंजाम दिया कि अपने तख्त पे किसरा का ताजदार कांपता है इसका नाम लेके। ये तो गुलाम थे और गुलाम ही थे, लेकिन इन गुलामों ने जब रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा किया, रबत किया और उस रबत को निभा के दिखाया जिस रबत को जो भी देखता है वो मोहम्मद के सहाबा को सलाम कहता है, किसी की नहीं सुनते वो, किसी की तरफ नहीं देखते, उनके नजदीक सब जीरो हैं जो कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया। बस फारूक आजम ने अम्मार को कहा कि मैं तुम्हें गवर्नर बना रहा हूं, अमीरुल मोमिनीन आप अमीर हैं और अमीर की अतात अल्लाह ने हुक्म दिया है, अमीर की अतात का अल्लाह ने हुक्म दिया है, रसूल ने हुक्म दिया है और रसूल ने कहा जो अपने अमीर की अतात करता है वो मोहम्मद की अतात करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा ये बात सुनने के बाद अपने अमीर के हुक्म से सरे मुंह इधर उधर नहीं होते। अम्मार मैं तुम्हें गवर्नर बना रहा हूं, थोड़ा सा सोचा, अमीरुल मोमिनीन आपकी मर्जी है, ठीक है जो आप चाहते हैं फिर जाओ, चले गए कूफा, जाके कुछ अर्सा वहां अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक हुकूमत की और है परेशान, तकाबली जायजा लेने की जरूरत है अपने लीडरों और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में। अल्लाह की कसम तकाबली जायजा तो लिया जा सकता ही नहीं। फारूक आजम ने एक गुलाम जादे को इसलिए गवर्नर बनाया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतीउ मिनकाद है, और सिर्फ ये नहीं कि ये मतीउ मिनकाद है बल्कि जाते हुए रहमत कायनात इस पे खुश थे, गवर्नर बना दिया। फारूक आजम बहुत सख्त किस्म के अमीर थे, एक लम्हा के लिए किसी की गलती को बर्दाश्त नहीं करते थे। और फिर दूसरा कानून जाप्ता यह था कि कुछ अर्सा किसी को गवर्नर बनाना है, अमीर बनाना है, फिर उसको बदल देना है। अम्मार को भी बदल दिया। आगे फारूक आजम उनसे मिलते हैं, हमें तो वजीर आजम के हां हाजिरी देना पड़ती है ना, और ये एमपी एमए नहीं मान नहीं, यानी ये बद नसीब आदमी फकीर की तरह मांगते हैं वोट, फकीर की तरह जोड़ी फैला के मिलते समाज ने करके, ये एम एन एम पी ए, तो फिर जब ये एम एन एम पी ए बन जाते हैं तो फिर थोड़ी सी किसी से गलती हो जाती है तो ये कहते हैं हमारी तोहीन हो गई। उस वक्त इनकी तोहीन नहीं होती जब फकीरों की तरह आके वोट मांगते हैं, जब ये बन जाते हैं तो फिर इनकी तोहीन होती है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को यह तसव्वुर नहीं दिया बल्कि अमीर को कहा तू इनका मालिक नहीं है,
इन पे हुकूमत चलाने के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं कर सकता, इनको आंखें ना दिखाओ, इनकी गुलामी करो, इनकी खिदमत करो। ये रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था, आईन था, सहाबा को यह पैगाम दिया था और सहाबा जिंदगी ऐसे बसर करते थे। फारूक आजम मिले किसे, जो गुलाम था अबद से अजल तक, इरशाद फरमाया अम्मार मैंने तुझे गवर्नर बनाया था लेकिन अब मैं समझा हूं कि तेरी अब जरूरत नहीं है, तो क्या ख्याल है तेरा, मैंने तुझे हटाया है। कौन कह रहा है? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जो रास्ते पे चल रहा हो तो शैतान, उसके रास्ते पे आ रहा हो तो शैतान रास्ता बदल देता है। ऐसा इंसान किसके पास है? गुलाम इब्ने गुलाम के पास। अम्मार मैंने तुझे हटा दिया है, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? और जो लोग कुर्सी के लिए हुकूमत के लिए यूं मिन्नतें समाजते करते हैं, फकीरों की तरह भीख मांगते हैं, वो लोग जिल्लत और नकबत का शिकार होते हैं, और जिनको अल्लाह देता है उनके पास अमीरुल मोमिनीन जाके कहता है अम्मार तुम मुझसे कहीं नाराज तो नहीं हो? वो मुस्कुराए, इरशाद फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन नाराजगी वाली कौन सी बात है, जब आपने मुझे गवर्नर बना के भेजा था मैं उस वक्त खुश नहीं था, सिर्फ अमीर के हुक्म को निभाया, मुझे इल्म था, मेरे आका ने कहा था जो अपने अमीर के हुक्म को नहीं मानता वो मेरा भी बागी है, मैं नहीं चाहता था हुकूमत गवर्नरी लीडरी, मैं नहीं चाहता था, आपने कह दिया तो मैंने वो कबूल कर लिया। उस वक्त मैं नाराज, उस वक्त मैं राजी नहीं था और इस वक्त मैं नाराज नहीं हूं। गौर तो फरमाए, वोट दे दे के हम थक जाते हैं और नतीजा क्या निकलता है? इमरान खान को वोट दिए और मकसद क्या था कि एक नई तहरीक है, एक नई कुव्वत है, एक नई सोच है। उसने भी साथी वो लिए जो उन्हीं के साथी थे, रहने ही कुछ नहीं दिया इसका। और जब तक ये तसव्वुर रहेगा कि हुकूमत मांगो, कुर्सी मांगो, और कायनात के आका ने कहा था जो हमसे कुर्सी मांगता है हम कभी उसको कुर्सी नहीं देंगे, तो तुम्हारे यहां कहा है? क्या करते हैं हम? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम क्या कहता था? रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद की तामीर कर रहे हैं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला कहते हैं कि मस्जिद की तामीर में सहाबा हिस्सा ले रहे हैं, सारे सहाबा एक एक ईंट उठाते हैं और अम्मार दो दो ईंटें उठाता है। रहमत कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अम्मार को पास खड़ा किया, अम्मार के कपड़ों से मट्टी झाड़ते हैं और इरशाद फरमाया वेहा अम्मारिन तक्तुलुहुल फियतुल बागिया। अफसोस, अम्मार को बागी कत्ल करेंगे। टाइम भी हो गया है, मसला भी करने वाला है। आज हमारे यहां ऐसे बद किरदार मुसलमान, शियों को छोड़ो उनकी कोई जरूरत नहीं है, उनसे तो बात करने की जरूरत नहीं है, वो जो चाहे करें जो चाहे कहें उनकी तो हैसियत ही नहीं है। आज मुसलमान कहलाने वाले अहले सुन्नत अहले हदीस
बरेलवी, देवबंदी ईरान के हाथों अपना जमीर फरोख्त करके बैठे हुए हैं, और इस रवायत के तहत वो अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला उन पर इतराज करते हैं कि अल्लाह के नबी ने उस वक्त कहा था जब मदीना में आए कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। एक ये रवायत है, एक रवायत दूसरी है। अब फिर अब मारो तक्तुलो कल फियातुल बागिया, खुशखबरी लो। पहला था अफसोस और दिन हुई याद के खुश हो जाओ, खुशखबरी लो कि तुझे बागी कत्ल करेंगे। तो वो कहते हैं कि ये बागी सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला थे जिन्होंने अली मुर्तजा के खिलाफ जंग की। पता नहीं ये दुनिया कहां है, कहां चली जाएगी, क्या होगा। एक बहुत बड़ी परेशानी है कि बुखारी का नाम आ जाता है ना तो सारे लोग कुनूतियां ढीली कर देते हैं, बुखारी आ गया है। अल्लाह के नबी ने कतन किसी के लिए यह हुक्म नहीं दिया अगर कोई इंसान बगैर हीलो हुज्जत के किसी की बात पे सर झुकाता है तो वो मोहम्मद रसूलल्लाह की जात है, इसके अलावा कोई नहीं। ये जो रवायत बयान की जाती है ना, यानी बड़ी हदीस की किताबों में और मतवातर, और लोग समझते हैं कि ये रवायत देखो जी बुखारी में आ गई है, मुस्लिम में आ गई है, अब तो मामला खत्म हो गया, जबकि यह बात नहीं है। इमाम बुखारी एक बहुत बड़े मुहद्दस हैं लेकिन वो नबी नहीं है, रसूल नहीं है, कि उनसे गलती नहीं होती। ये रवायत बुखारी में है, ये रवायत मुस्लिम में है, लेकिन दलायल की मौजूदगी में इस रवायत की हैसियत कौडी की नहीं है। पता नहीं अब अहले हदीस मुझ पर क्या फतवा लगाते हैं कि मैंने बुखारी के मतलब ये करें, लेकिन ये हकीकत है। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, यह रवायत सहाबा में चली और आज हम तक पहुंची, लेकिन बड़े बड़े मुहक्कक, बड़े बड़े मुहद्दस इस तरफ ख्याल ही नहीं कर सके, या किया है तो खामोशी इख्तियार कर लिए। यानी यह जो रवायत है ना, यह तकरीबन 5-6 सहाबा से बयान हुई है। बदनसीबी देखें कौम की, और तमाम सहाबा जो ये रवायत बयान करते हैं, किसी सहाबी ने अपने कानों से मोहम्मद रसूलल्लाह की जुबान से नहीं सुना। जाएं आप खुर्द भी लें और तलाश करें, कोई रवायत बयान करने वाला सहाबी ये कहे कि समय तुम नबी हो, मैंने नबी से सुना है। बुखारी की रवायत जो भी सईद खुदरी से है, रवायत से पता चलता है उसके अल्फाज से कि शायद अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला ने ये नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त सुना हो, अल्फाज ऐसे हैं। लेकिन यही रवायत जब मुस्लिम में बयान होती है अबू सईद खुदरी से, यही रवायत जब मुस्लिम में अबू सईद खुदरी से आती है तो अभी सईद खुदरी कहते हैं मैंने ये रवायत, मैंने ये हदीस अपने से बेहतर आदमी से सुनी है। वहां ये नजर आता है कि शायद उन्होंने खुद सुनी है, यहां कह दिया कि नहीं मैंने किसी से सुनी है। और फिर गौर फरमाएं, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला को बयान करते हैं बुखारी में जो रवायत है कि ये वाकया तामीर मस्जिद का है, जब नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद तामीर हो रही। सुनने वाली बात है, अल्लाह के नबी के उस सहाबी पे तान किया जाता है जिस पे नबी रहमत ने मान किया और सिद्दीक और फारूक जैसे लोगों को कहा अगर मशवरा की जरूरत पेश आ जाए तुम्हें तो मुआविया से मशवरा लिया करो। ऐसे इंसान पे मुसलमान कहलाने वाले लोग इतराज करते हैं, जमीर भी गए हैं।
सौदा हो गया। इस तरह बिकते हैं मौलवी जिस तरह मंडियों में जानवर बिकते हैं, कभी किसी ने गौर नहीं किया। अबू सईद खुदरी बुखारी में जब रवायत बयान करते हैं, उनसे रवायत आती है, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये उस मौके की बात है जब मस्जिद नबवी तामीर हो रही थी। लेकिन मुस्लिम में जो रवायत वो बयान करते हैं उसमें है कि ये खंदक के मौका की बात है। यानी एक ही रावी है और इख्तलाफ इतना बड़ा है। अब कौन कहे ये बुखारी वाली रवायत ठीक है या मुस्लिम वाली? अहले हदीस बुखारी वाली रवायत को तरजीह दे देते हैं, ये बात नहीं है। सोचने की बात ये है, सहाबिया रसूल एक ही है और मस्जिद नबवी एक हिजरी में तामीर हुई और खंदक 5 हिजरी में हुई। 5 साल का वक्फा है। एक ही सहाबी कहता है कि ये मस्जिद की तामीर के वक्त है, वही सहाबी कहता है नहीं खंदक की बात है। और फिर 7-8 सहाबी रवायत करते हैं। आप तहकीक कर ले, कोई भी सहाबी रवायत इस तरह नहीं बयान करता कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुनी है। जिस रवायत का सर पैर ही कोई नहीं, कहे आदमी कहे जी ये बुखारी शरीफ में आ गई है इसलिए, नहीं नहीं नहीं, बुखारी शरीफ की भी कोई हैसियत नहीं। अगर बहुत सारे सबब मौजूद हैं उस रवायत को गलत करार देने के लिए। ये तो हुआ ना बुखारी और मुस्लिम की बात। मैंने पहले अर्ज किया कि 6-7 सहाबा से ये रवायत आती है, कोई सहाबी नहीं कहता समेत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये बात ऐसी है कि सैयदना अम्मार की किसी लश्कर में मौजूदगी दूसरे लश्कर को बागी बनाती है, तो ये रवायत ना अलील मुर्तजा ने कहीं बयान की है और ना अम्मार ने बयान की है। अलील मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने जुबैर के साथ बात करते हैं जमल की जंग में कि तुझे पता नहीं अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि तू अली की मुखालफत करेगा और तू उस वक्त गलत होगा, लेकिन यह नहीं कहा कि तुझे पता नहीं है अल्लाह के नबी ने कहा था कि अम्मार जिस लश्कर में होगा मुखालिफ लश्कर उसको कत्ल करेगा वो भागी होंगे, ये नहीं कहा। और फिर तसलसल से रवायतें, सैयदना अम्मार रजी अल्लाह ताला हो लोगों को तैयार करते हैं जंग के लिए, तो तैयार किस तरह करते हैं कि मैं हक पे हूं मेरे मुखालिफ बातल पे है, और यहां तक कहा अगर ये मुझे दबाते हुए मेरे लश्कर को दबाते हुए हमें शिकस्त देते हुए हजर तक ले जाएं तब भी मैं यही कहूंगा अना अलल हक के वहुम अलल बातिल, वो बातिल पे हैं और हम हक पे हैं। सोचिए, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हें पता नहीं चलता अल्लाह के नबी ने यह इरशाद फरमाया था कि जिस फिरके जिस लश्कर में अम्मार होगा वो लश्कर सही है मुकाबले का लश्कर भागी है, ये अम्मार ने भी नहीं कहा। और फिर बहुत बड़ी बात ये है, जल्दी खत्म कर दूं, बड़ा लंबा मसला है लेकिन समझाने के लिए कि ये रवायत बुखारी में होने के बावजूद कोई हैसियत नहीं रखती, इसकी कदरों मंजिल कोई और ये साबित ही नहीं है। तो बुखारी में आ जाने से साबित बन जाती है, दलायल कहें कि ये साबित नहीं तो वो बगैर दलाल की साबित हो जाती है। सैयदना अम्मार रजी अल्लाह ताला हो जंगे सिफीन में शहीद हुए हैं, और जंगे सिफीन सैयदना अमीर माविया और सैयदना अली मुर्तजा के दरमियान हुई, उस जंग में ये शहीद होते हैं। गौर फरमाएं जरा, जब वो शहीद हो गए तो फिर चाहिए था ना तमाम सहाबा को कि सैयदना अमीर माविया का साथ छोड़ देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था कि जो अम्मार को शहीद करेगा वो बागी ग्रोह होगा, तो आप तो बागी हैं हम भी बागियों में शामिल हो जाएं, छोड़ते अली मुर्तजा की फौज में जाए, लेकिन कोई नहीं गया। अगर ये हदीस होती, अगर ये फरमान होता, मेरी नहीं समझ में आता कि जो मैं सहाबा के जिंदगियां बयान कर रहा हूं वो सहाबा ये देख के भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अपनी आंखों से देख के भी छोड़े ना, नहीं छोड़ा किसी ने। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि
कि अम्मार का कातिल अभी गादिया है, अभी गादिया अमीर मुआविया के पास जाते हैं, उनके साथ एक शख्स और भी है, वो कहते हैं मैंने कत्ल किया है, अबू गादिया कहते हैं मैंने कत्ल किया है। ये दो शख्स वहां झगड़ते हैं। अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला उन्होंने कहा ओ तुम किस बात पे झगड़ रहे हो, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था कि जो इसको कत्ल करेगा वो जहन्नम में जाएगा। कह दिया अमर बिन आस रजी अल्लाह ताला हूं, लेकिन और फरमाए अबू गादिया हुदैबिया में मौजूद थे, बैते रिजवान में, अबू गादिया बैते रिजवान में मौजूद थे और बैते रिजवान वालों को कुरान कहता है रजी अल्लाह अनहुम वरजू अनहो, मेरे मोहम्मद मैं बैते रिजवान में शामिल लोगों पे राजी हो गया हूं। और जब कुरान ने यह कहा तो नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैते रिजवान में शामिल होने वाला कोई आदमी जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अब देखें अगर वो रवायत सही है जो बुखारी में या मुस्लिम में है, इख्तलाफ तो अपनी जगह ना, किसी सहाबी ने अपने कानों से नहीं सुना, फिर एक सहाबी बयान करने वाला है, कभी वो मस्जिद नबी की तामीर का जिक्र करता है, कभी वो खंदक का जिक्र करता है, इत्तेफाक ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात कि अबू गादिया गारंटेड जंती है, कुरान ने भी कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी कहा। और अगर अम्मार के मुतल्लिक रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था तो फिर आप फैसला दे सबको करना पड़ेगा, क्या हदीस की बुनियाद पे मकतूल होने वाले का कातल जहन्नम में जाएगा या बैते रिजवान पे नबी के हाथ पे मौत की बैत करने वाला, अल्लाह के नबी के हाथ पे मौत की बैत की, अल्लाह राजी हो के कहता है रजी अल्लाह अनहुम वरजू अनहो, वो मुझसे राजी मैं उनसे राजी। कायनात के आका ने इरशाद फरमाया कि बैतुल रिजवान में शरीक होने वाला कोई आदमी जहन्नम में जा ही नहीं सकता। अब क्या बनेगा जी, इसलिए इस हदीस की कोई ऐसी नहीं, आमतौर पर आजकल ये चल रही है मीडिया में, लेकिन कोई आज तक इस बात, मैंने सवाल किया है कि कोई आदमी मुझे ये दिखा दे कि किसी सहाबी ने यह कहा हो कि समेत उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ने किसी से सुना है और कोई कौन है सुनाने वाला, सहाबी सहाबी सब अल्लाह के नजदीक जन्नती हैं, सच्चे लोग हैं, लेकिन यह सहाबी की कमी नहीं, वो रावी जो इसमें दाखिल हो जाते हैं दीन को बिगाड़ने के लिए उनका कसूर होता है, कभी एक बात को कुछ कह दिया, कभी उसी को कुछ कह दिया, कभी उसको कुछ कह दिया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये महबूब सहाबी सर्टिफिकेटेड जंती, अल्लाह ने कुरान में कहा और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान में कहा। आखिरी बात, कुरान कहता है कि जब कोई आदमी बगावत करता है ना तो बगावत करने वाले के खिलाफ तलवार चलाओ, कुरान का हुक्म है, सुलह की कोशिश करो, नहीं होती सारे मिलके उसके खिलाफ जंग करो। अगर सैयदना अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया और उनके साथी बागी थे तो अलील मुर्तजा को उनके खिलाफ जंग करनी चाहिए थी, लेकिन अलील मुर्तजा ने सुलह सफाई के लिए कमेटी बना दी कि मुसलमान आपस में लड़के तबाह ना हो जाएं, जो फैसला कमेटी कर देगी सबको मंजूर है। तो क्या हम कहेंगे अलील मुर्तजा ने नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कुरान की मुखालफत की है? नहीं, और ये रवायत ही नहीं है, सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं। डरते हैं अहले हदीस के मुफक्कर मुहद्दिस कि बुखारी में आ गई है, और साबित तो करो इसकी हैसियत क्या है, अकल शऊर फहम फरासत दलायल, बीसियों दलायल है ऐसे जो ये बतलाते हैं कि ये रिवायत सही नहीं।
محض اس کو اس بنا پہ قبول کر لیا جائے اور امیر المومنین معاویہ جیسے انسان کو باغی قرار دے کے اپنی عاقبت کو تباہ کر لیا جائے، یہ کوئی بد نصیب ہی کر سکتا ہے، کچھ نصیب نہیں کر سکتا. لیکن یہ وہ انسان ہے جس انسان سے تعلق اور جس سے محبت اللہ کا قرآن کہتا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان. اللہ کے نبی نے عمار سے اس محبت کا اظہار کیا کہ اس کو دیکھ کے میرا بھی دل چاہتا ہے محبت کرنے کو، تیرا بھی دل چاہتا ہے محبت کرنے کو. اور سیدھی بات ہے، جس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت نہیں، وہ صحیح مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ شخصیت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیے، اور پھر مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے، آنے والوں تم بھی ویسی زندگی بسر کرو. اللہ ہمیں ویسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.